मेरे लिए खाना लाइक आई कांट ईट केचप विदाउट पिज्जा. ये केचप है ये इसमें कुछ है. अरे ये क्या है, अमर होस्ट ही खाना खा रहा है बीच में. सो द विनर ऑफ दिस चैलेंज इज अब मेरा पिज्जा लेके आओ जो वहां पे रखो. हमको पता ही था ये सारा खाना तू ही खाएगा. चलो लेट्स गो बॉय. अब जाके बॉडी बनाएंगे. बॉडी बनाते हैं. यस. बहुत हो गई छुट्टी. अब आते हैं एकदम वर्क मोड बीस्ट मोड में. वाओ डे वन इन द जिम. ये तो हम हैं. ये तो हम हैं. अभी मस्त भागते भागते अभी देखेंगे ना. रन नाउ. रन नाउ. यस. Guys, welcome back to the Tarot Tales. So, आज मैं करने वाली हूँ cheap versus expensive food challenge. So, जो भी ये challenge जीतेगा will win 50,000 rupees prize money. और challenge को थोड़ा tough करने के लिए मैं plating तो same रखने वाली हूँ. So, जो भी cheap item है उसके पीछे मैंने ये sticker लगा दिया है ताकि मुझे समझेगा कि कौन सा cheap item है. So, let's start. मैंने इतने सारे फूड आइटम्स ऑर्डर किए हैं, देखते हैं कितने गेस कर पाते हैं ये करेक्टली. लेट्स स्टार्ट. सो अब मैं फटाफट प्लेटिंग कर लेती हूँ और बुलाते हैं उनको. सो लेट्स स्टार्ट विद द बर्गर्स फर्स्ट. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी वन. एक्सपेंसिव मोमोस इसे में भर चुका है. सो फोर मोमोज इट इज. चीप मोमोस आई कैन मेक आउट द डिफरेंस क्योंकि इसका फिलिंग बहुत ही मोटा है और शेप भी इतना कुछ खास है नहीं. और मेरे 50,000 जाने वाले हैं. कलर डिफरेंस तो है, ये बहुत येलो है और ये एक्चुअली बहुत वाइट है. बट आई डोंट थिंक इन्होंने ये आइसक्रीम पहले कभी खाया है. पिज्जा और मोमोज देख के बहुत डिफिकल्ट है गेस करना कि कौन सा है. मैं एक्चुअली स्प्रिंग ऑनियन इसमें भी डाल देती हूँ. सो दैट डोंट क्योंकि चीप वाले मोमोज में स्प्रिंग ऑनियन तो खर्चा करेंगे नहीं. 50,000 का सवाल है भाई. ठीक है. सो गाइज दीज आर द डिशेस. आइसक्रीम फ्रिज में है तो देखते हैं कि ये गेस कर पाता है या नहीं. एंड लेट्स सी इफ दे विन 50,000 रुपीस. लेट्स ब्रिंग देम. बॉयज कम इन. सो हमारा पहला प्लेयर आ चुका है माय ब्रदर. ये क्या है? आई जस्ट एक्सप्लेन. देख के मजा आ गया. आगे होने कुछ बढ़िया लग रहा है. यस. कौन का है भाई? जल्दी आओ. माय हस्बैंड. मेरे लिए खाना. उसके पहले एक तो ये ऐसा चैलेंज कौन रखता है जिम के बाद? हाँ जिम बेचारे उधर कैसे कैसे तो पसीना टपकाया हमने. वो ट्रेनर गालियां देगा हमको. ये कहाँ से आ गया बीच में? I was just craving for some junk food. Cheap versus expensive food challenge. Cheap versus expensive food challenge. Whoever wins the challenge will win. हाँ क्योंकि तुम लोग बोल दो कि हमेशा चैलेंज के बाद में तुम दोनों कंगाल हो जाते हो क्योंकि मुझे खाने पे लेके चलते हो. सो आज ये चैलेंज और ये प्राइस मेरी तरफ से है. वेयर हूएवर गेसेस द प्राइस विल विन 10 नो 20 नो नॉट 10 नॉट 20 बट 50,000 रुपीज. यस. ये तेरे ही पैसे ना या हमारे ही है और उठा के ले रही? मेरे पैसे. तो मैं भी एक गुची का वॉलेट ले सकता हूँ. अभी देखते हैं कौन जीतता है. अभी तो चैलेंज देखते हैं कौन जीतता है. ठीक है. तू जीतेगा तो तू क्या करेगा? कावासाकी में दिख जाऊंगा. 50,000 में क्या कावासाकी आएगा तेरा? सीट बुक कर लूंगा कल जाके. डाउन पेमेंट ब्रो. ओके. सो ये पैसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ सामने. 50,000. इतना चैनल इधर मिस्टर बीस्ट तक पैसे पहुंच गए. और ये सिर्फ खाने के बाद ये मिलने वाला है? तो लेट्स स्टार्ट. ट्रेनर गाली पे गाली देगा? यस. नहीं नहीं ट्रेनर को मैं गाली दूंगा. मेरे को 50 चाहिए. मैं रोज खाने के लिए तैयार हूँ. एक साल मैं रोज खाऊंगा. केचप वेचप कुछ होता है? जाओ फ्रिज से लेके आओ.
जरूरत नहीं है उसमें, वैसे मियो बात है ना, पता चला केशव इधर है। ये देखा, ये पहली बार किचन में जा रहा है। पता ही नहीं किधर है केचप, किधर है ये केचप है ये इसमें कुछ है बजट इश्यूज, 50,000 मिल रहा है। एक मिनट, मैं जब पैसे जीतूंगा मैं सबके लिए एक एक किलो केचप लेके आऊंगा। यस बख्शीश। ये तो बहुत इजी लग रहा है यार, ये देखो क्या है, ये तो एक्सपेंसिव है डेफिनेटली, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है जोमेटो वाले इस पे बैठ के आ गए। हाँ ये सच में एक्सपेंसिव क्या बढ़िया बर्गर यार, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद एक और टेस्ट चेंज बजट बर्गर एक ही है, चलो चेंज कर। मेरे को सिर्फ टमाटर का टेस्ट आ रहा है यार, ये अभी तक वेज है नॉन वेज ये भी नहीं समझ में आ रहा। चेंज ठीक है, ये कोई पूछ भी नहीं रहा है, कोई तो पूछो मुझे, मैं ही खाना खाना करती हूँ क्या, कि मुझे भी टेस्ट कर। ऐसा थोड़ी होता है चैलेंज, ये हमारा खाना है ना, तुमने नहीं ना। डेफिनेटली लोअर कॉस्ट है वो हायर कॉस्ट है, चीप एक्सपेंसिव, ये तो पहले ही बता दिया। और अगर प्राइस गेस करना है तो मैं गेस कर रहा हूं, ओके दिस इज क्लोज टू, मतलब 100 नहीं, दैट इज क्लोज टू 400 ये कोई तो गवर्नमेंट रेस्टोरेंट से आया लग रहा है, ये कोई तो ठेले से आया लग रहा है। ये तो मैं बता देता हूँ 100 रुपए 300 रहेगा। ये असिंग्स का है तो मुझे अच्छा लग रहा है खाता। द विनर ऑफ दिस राउंड इज So basically, इसका price है 90 rupees. So this is cheaper. So yeah, of course it's cheaper. मतलब दोनों सही है ना हमने. Yeah. और इसका price है 450 rupees. बाप रे. और एक पूछना था मैडम. हेलो हेलो. हाँ. एक पूछना था. ये जो material cost है वो अब इससे cut नहीं करोगे ना? करूँगी. वो भी उसमें जाएगा. ये plate भी उसके लिए खरीदा है. वो भी जाएगा. GST tax वगैरह कुछ cut नहीं करोगे ना? इसमें से अभी जो ये खाना मंगवाया है वो cut होगा. उसमें GST service charge और सर्विस क्या मैं कॉस्ट लेंगे टिप सब कट होके तुम लोगों को मुझे लग रहा है 5,000 रुपए। ओके सो मजाक कर रही, मजाक कर रही। तो मैं ये तो मानती हूँ कि बर्गर्स एक्चुअल में बहुत इजी टू गेस थे क्योंकि वो आते आते थोड़ा चिपक गया था, कोई अंधा भी बता देता कि वो बर्गर चीप है, आगे आगे बहुत, और प्राइस भी बता देता कि वो 90 रुपए का है, 100 रुपए का नहीं है। ठीक है 10 शिद्दत से बनाया इसको ऐसा मार मार के चल आगे ले ले। I'll try this cheap one. He says it's cheap. Yeah, भाई ये ग्लू डाल दिया क्या इसमें, टेस्ट आ रहा है। This is good. ये तो मोमो पैक भी नहीं किया, पूरा पूरा ओपन है। ये सब्जी और रोटी तो नहीं दिए ना। I will guess this is... अरे क्या है, अमर होस्ट ही खाना खा रहा है बीच में। ऐसा तो वीडियो 1-2 घंटा चलेगा। हाँ। This definitely is the expensive one. I think you also agree. Okay. Expensive and cheap. थोड़ा प्राइसिंग में आते हैं। ये इसके लिए तो मैं एक्चुअली 15 रुपए भी नहीं दूंगा। बट चलो ये बाहर मेरे को पता है सबसे सस्ते मोमो मैं खा चुका हूँ वो 50 रुपए में मिलते, 60 रुपए पकड़ो, 60 रुपीज, 60 थोड़ा महंगा बढ़ गया, 65 करो इसको, 65 मैं ये 55 करता हूँ। दिस इज 200 एंड यू आर सेइंग 225 कैलकुलेशन थोड़ा करेगी तू, गलत हो गया तो डांट मैं मत, थोड़ा मैथ्स में फेल हो गई थी 4-5 बार, बहुत ही गंदा मैथ्स है। चलो आगे आगे, ये अभी तक कर रही है देखो। उसका समझ नहीं रहा है क्या बोले, कौन विनर है। विनर इज अ टाई बिकॉज़ दिस इज फॉर 80 रुपीस। 80 रुपए का ये इतना महंगा, 80 रुपए। एंड दिस वन इज एक्सपेंसिव बिकॉज़ दिस इज फॉर 275 रुपीस। व्हाट, ओह सो 300 रुपए में बाहर हो बाहर। Now something that I'm excited for है ये दो मोमोज। दो मोमोज।
मैं तो डाल दी हूँ केचप पिज्जा में, मुझे तो पसंद है. लाइक आई कांट ईट केचप विदाउट पिज्जा. आई कांट ईट पिज्जा विदाउट केचप. कुछ भी अंग्रेजी नेम. नाउ नेक्स्ट बाइट चेंज. और इन्होंने एक स्लाइस खत्म कर दिया यार. तो भूखे लोग हैं हम लोग. हम इतना जिम करके आते हैं और तुम ऐसे करने के लिए लगाते हो. Who's going first? फटाफट टाइम नहीं है. ये सस्ता है. Definitely. This is like some authentic. देखो thin crust भी है, ये भी है. थोड़ा tough था ये, क्योंकि ये भी expensive हो सकता है. इसका लेकिन मुझे ये chicken का quality नहीं दिया. क्या पनीर है क्या? हाँ वही नहीं समझा. Chicken है पनीर है कुछ समझ नहीं आ रहा है. क्या master chef बैठे हैं अपने साथ? Of course man. So this will be 250 rupees. ठीक है ठीक है. 50,000 दाव पे तो तुमने क्या बोले? और ये है 450 rupees. Okay, you guess. अभी मेरे को पता है पिज्जा इतना सस्ता तो आता नहीं है. मीडियम नहीं आता है. नहीं आता है. ओके दिस इज डेफिनेटली नियरिंग 400 ₹400 रहेगा. ये चीप है लेकिन नहीं है फिर भी 400. चार पिज्जा भी महंगा हो गया. भारत में नहीं मिलता है ये. रोज सब्जी खरीदने जाता है. हाँ टमाटर भिंडी कांदा उसको सबका रेट पता है. एंड ये थोड़ा वो महंगा वाला है. सो 650. Okay. The winner of this third round is. जीत गया मैं. 50,000 लग रहा है अभी. This was for 650 rupees and this pizza is for 350. आगे चलें. So guys, we have come to the last round of our challenge now. और देखेंगे कौन जीतता है ये round. ये बहुत ज़्यादा tough लग रहा है challenge अभी. हाँ. समझ भी नहीं आया. तो ऐसे थोड़ी. कौन सा flavour है दोनों? You have to guess. अभी इतना भी मैं सब थाली में परोस के नहीं दे सकती. अरे खाना नहीं है यार. आगे भी बड़ो खाना बैठ रहे हो. Move on. अच्छा था ये भी. बहुत टफ लग रहा है यार. आप ही देखो. हाँ कलर डिफरेंस है दोनों में. जब तक नहीं समझ रहा तब तक ट्राई करते रहो. बता मुझे भूख लगी है. ये दोनों पास जिम करके आए और खाना खा रहे हैं अभी भी. भूख लगी. आई एम वेरी हंग्री. ये चीप है एंड दिस इज एक्सपेंसिव. सेम. ये चीप है दिस इज एक्सपेंसिव. थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि इसका मास्टर ही आइसक्रीम में. ये हमेशा आइसक्रीम लेके आता है हर दिन. मैंने बहुत आइसक्रीम खाया है इसके वजह से. अभी अभी 3 दिन पहले 2000 के आइसक्रीम खाए. 2000 के आइसक्रीम कौन लेके आए? अरे वो मेरा विजडम टूथ निकाला था ना. 2000 के आइसक्रीम. इसका राशन चल जाता है पूरा एक साल. 2000 का आइसक्रीम तो चखा भी नहीं है मैंने कभी. ये कप आइसक्रीम रहेगा. ये तो चीप वाला है 20 रुपीस. उतना ही आता है ना ये. हाँ ये 10 रुपए. ये थोड़ा उसका टेक्सचर भी आप देखोगे तो एरी एरी सा है. सो आई थिंक सो दिस इज बास्किन रॉबिन्स. नहीं इसका वो हैगन. हैगन शादी करके फंस गया यार. अच्छा खासा था कमरा. दिस इज 200. 20 रुपीस. 200 रुपीस मेरा सेम है. ओके 20 रुपीस. दिस इज 300 रुपए. ओके सो अभी आइसक्रीम्स आप रख दो सामने. सो द विनर ऑफ दिस चैलेंज इज रोहन. आई विल टेल यू द प्राइजेस. यू आर गोइंग टू बी शॉक क्योंकि ये दोनों ने एक्जैक्टली करेक्ट गेस किया है. ये एक्चुअली 20 रुपीज का है. बट दिस वन इज फॉर 550 रुपीज. व्हाट व्हाट 550. सिंस यू खा लेता हूँ. मैं भी खा लेता हूँ. वो थोड़ा होल्ड करो प्लीज. 50,000 में क्या आएगा अभी? प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए मैं क्या करूं. क्या ऐसा चैलेंज और मैं पहली हार गया. पहली तंगी में जीत होगी. पहली चला गया. इसमें से मैं काट लूं ना फिर सर्विस चार्ज जीएसटी वगैरह. सर्विस मैंने ही किया है.
वेलकम वेल प्लेड सर वेल प्लेड वेल प्लेड अब मेरा पिज्जा लेके आओ जाओ वहां पे रखो हमको पता ही था ये सारा खाना तू ही अभी मैं पहले ये खत्म कर लेता वरना ये भी नहीं निकल होगा मैं तो बोल रही हूं इसमें मेरा डाइसन आ जाएगा प्लीज डोंट गिव आइडियाज फॉर दिस मनी प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो Please do like, share and subscribe and we will see you guys in the next video. Till then take care. Bye. Bye-bye. Dyson. Jao, abhi jao. Chroma mein jaake. Dyson leke.